channel myself Moshmiga and I am back with another video. Today I am going to share with you a honest review of PSC Super Brow Cream, Super Brown Brow Cream, which I purchased on Nykaa Hot Pink Sale. So video शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक मॉनसून वेदर है और मॉनसून वेदर में अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा रेनिंग साउंड भी आएगा, तो आप प्लीज माइंड मत करना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अच्छा लगा है तो फिर मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर हेल्पफुल लगा है तो फिर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, सो दिस इज द पैकेजिंग। बॉक्स के एकदम ऊपर पीएसी का लोगो दिया हुआ है और पीछे इसका शेड नंबर दिया हुआ है। ये एक ब्लैक कलर का बॉक्स है एंड ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। टंडरन, ओ माय गॉड, ये ओपन करने के बाद इसके अंदर से एक बहुत ही अच्छा सा खुशबू आता है, बहुत ही अच्छा, वाव। एंड द शेड नंबर ऑफ दिस आईब्रो क्रीम इज 02 शेडर क्रीम। ये ब्राउन कलर का है, लाइक डीप ब्राउन कलर का है। एंड दिस इज द कंटेनर, ये ग्लास का कंटेनर है एंड ऊपर जो ब्लैक कलर का कैप है इसके ऊपर भी पीएसी का लोगो दिया हुआ है। आप में से जिन जिन लोगों को मेकअप के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है उन लोगों को पता है कि पीएसी बहुत ही अच्छा सा कॉस्मेटिक ब्रांड है जो कि प्रोफेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड है। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट लोग बहुत ही ज्यादा इस ब्रांड को यूज करते हैं एंड ये बहुत ही अच्छा सा एक ब्रांड है और इसका प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। मेरे पास पीएसी का दो और भी प्रोडक्ट है, एक है प्राइमर और एक है मेकअप फिक्सर जो कि बहुत ही अच्छा है। बहुत ही जल्द उन दोनों का भी रिव्यू वीडियो आएगा। ओके, ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको ये सील मिलेगा और मैं ये सील पूरा तो नहीं खोलूंगी क्योंकि हवा लगने से ये सूख जाता है और सूख जाने के बाद बहुत ज्यादा हर्ड हो जाता है। अगर आप ये परचेज करते हो तो फिर ये सील पूरा ओपन करके फेंक मत देना, इसको यूज करने के बाद दोबारा इसको ऐसे सील कर देना क्योंकि अगर इसमें हवा लगेगा तो फिर सूख जाएगा और ये आप एक दो बार यूज करने के बाद यूज नहीं कर पाओगे। ओके, मूव ऑन। सो ये है आईब्रो क्रीम। नाउ इट्स टाइम फॉर प्राइस। द प्राइस ऑफ दिस आईब्रो क्रीम इज 625 रुपीज ओनली। मुझे ऑफर में 563 रुपीज में मिला ये, वो भी हॉट पिंक सेल में। सो नाउ इट्स टाइम फॉर डेमो। अपने आईब्रो को फिलअप करने के लिए मैं यहाँ पे एंगल ब्रश ले रही हूँ। आपको भी ऐसा एक एंगल ब्रश लेना है और फिर थोड़ा सा आपको आईब्रो क्रीम लेना है, बस थोड़ा सा, ध्यान रहे ज़्यादा नहीं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आईब्रो क्रीम ले लिया और आपको अपने हाथ में इसको लगाना है। डायरेक्ट आप अपने आईब्रो में ना लगाए तो ही अच्छा है। मैं यहाँ पे अपने हाथ पे क्रीम लगा लिया और फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके लूँगी और अपने आईब्रोज को फिलअप करूँगी। आप ही ऐसा करना। अपने आईब्रोज को कैसे फिलअप करना है अगर इसके ऊपर कोई अलग सा वीडियो आपको चाहिए तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर ऐसा एक वीडियो लाऊंगी। सो मेरा आईब्रो तो हो चुका है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड आई लव दिस लुक। सो आप देख सकते हो मैंने अपना आईब्रो फिलअप कर लिया एंड अभी भी मेरे हाथ में बहुत सारा बचा हुआ है, तो फिर आपको पता ही चल रहा है कि कितना कम अमाउंट में आपको इसको लेना पड़ेगा क्योंकि ये सूख गया है, ड्राई हो चुका है और ये वेस्ट हो गया है।
तो मैं भी बहुत ज्यादा ले लिया था, आपको इससे भी बहुत कम लेना होगा। अगर आपको लगता है कि कम हो गया फिर से आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। एक ही बारी में बहुत सारा अगर आप हाथ में लोगे तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा करके लो और फिर यूज करो। और एक इसका खास बात है कि ये वाटरप्रूफ है और ये स्मच प्रूफ है और ये लॉन्ग लास्टिंग है। मैं आपको अभी लाइव डेमो दिखाऊंगी। सो मैं यहाँ पे पानी ले रही हूँ और इस पानी को मैं इसके ऊपर स्पार्कल कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर पानी नहीं रह रहा है, पानी साइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये वाटरप्रूफ है। अभी मैं पानी के साथ इसको रब करूंगी, फिर भी ये स्मज नहीं हुआ। अभी मैं जोर जोर से रब करूंगी विथ वाटर, स्टिल ये जैसा था वैसा ही है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं उठेगा, जरूर उठेगा। मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हो, उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ये रिमूव हो जाएगा। सो ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ही ज्यादा स्वेट होते हो, स्वेटिंग के वजह से ये नहीं स्मज करेगा अपने फोरहेड पे या फिर लिड्स पे, आईलिड्स पे स्मज नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। बाय द वे इसका बहुत सारा शेड ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बहुत सारा। मुझे उन सारे में से सिर्फ ये वाला शेड ही अच्छा लगा और हर एक शेड बहुत ही अच्छा है, आप अपने स्किन टोन के हिसाब से लेना। मेरा मीडियम स्किन टोन है इसलिए मैंने 02 शेडर क्रीम ले लिया। इसका 01 है, 03 है, 04 है, 5 है, 6 है, 7 है, बहुत सारे शेड है, लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन तक। एकदम लास्ट वाला जो डार्क ब्राउन है वो आपको ब्लैक फिनिश लुक देगा और एकदम फर्स्ट में जो ब्राउन है लाइक 01 वो बहुत ही लाइट ब्राउन है। आप अपने हिसाब से कोई भी शेड चूज कर सकते हो, हर एक शेड इसका बहुत ही अच्छा है। सो ये था मेरा आज का वीडियो पीएससी कॉस्मेटिक ब्रांड के ऊपर, जो कि बहुत ही एक अच्छा ब्रांड है, बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। मैं स्पेशली ये अपने क्लाइंट्स के लिए ही परचेस किया, लेकिन कभी कभार मैं अपने ऊपर भी यूज कर लूंगी, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो फिर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप लोग मेरा डांस वीडियो देखना चाहते हो तो फिर मेरे डांस चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मौसमी गायन मेरा डांस चैनल का नाम है, आप विजिट कर सकते हो। अगर अच्छा लगा तो फिर प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरा डेली लाइफ व्लॉग देखना चाहते हो और नया नया चैलेंज वीडियो देखना चाहते हो तो फिर आप मेरा व्लॉग चैनल लेजी व्लॉगर मौसमी, ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर देना। उसमें मैं डेली व्लॉग देती हूँ, डेली चैलेंज वीडियो देती हूँ एंटरटेन करने के लिए। प्लीज मेरे वो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज, एंड ये चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मैं फिर आऊंगी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।